भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद आज रामनगरी अयोध्या के मंदिरों में रंगभरी एकादशी तिथि पर होली खेली गई। इसमें 500 वर्षों के संघर्ष के बाद निर्मित हुए राम मंदिर की खुशी समाहित दिख रही है। रामनगरी अयोध्या के 6000 से अधिक मंदिरों के गर्भगृह में विराजमान भगवान के विग्रह को ब्रह्म मुहूर्त में साज सज्जा के साथ आरती कर गुलाल लगाया गया। वध में होली के आगाज पर मंदिरों में आने वाले भक्तों को भी प्रसाद के रूप में गुलाल लगाया गया। माघ शुक्ल पंचमी यानी कि बसंत पंचमी पर्व से रामनगरी में औपचारिक रूप से मंदिरों में होली का शुभारंभ हो जाता है और प्रतिदिन भगवान को अबीर गुलाल भी चढ़ाया जाता है, लेकिन फाल्गुन शुक्ल एकादशी को रंगभरी एकादशी का पर्व प्रमुख रूप से मनाया जाता है। अयोध्या के हनुमानगढ़ी परिसर में रंगभरी एकादशी पर रंगों के बीच आस्था का उफान दिखाई दिया, साथ ही धार्मिक नगरी अयोध्या की सड़कें अबीर और गुलाल से रंगी नजर आई। रंगभरी एकादशी के मौके पर अयोध्या के प्रमुख सिद्ध पीठों में शामिल प्राचीन हनुमानगढ़ी के नागा परंपरा से जुड़े साधु संत हनुमानगढ़ी मंदिर में रखे हनुमंत लला के प्रतीक चिन्ह झंडे और निशान को लेकर मंदिर परिसर में ही जमकर होली खेली गई। इस मौके पर नागा साधुओं की टोली बैंड बाजे के साथ अखाड़ों के पहलवानों के करतब दिखाते हुए अयोध्या की सड़कों पर निकली। पहले तो होली की बधाई, मंगल कामना, ढेर सारी बधाई। विगत 500 वर्ष के संघर्ष के बाद अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण और इस बार सिद्ध पीठ अयोध्या हनुमानगढ़ी हनुमान जी महाराज के विजय पताका के रूप में निशान निकला है। विभिन्न मंदिरों में स्वयं हनुमान जी निकले हैं अबीर गुलाल ठाकुर जी को समर्पित करते हुए और आगे बढ़ते हुए। जितने भी सनातन धर्म में 6000 मंदिरों में अयोध्या में 6000 मंदिर सभी मंदिरों में प्रभु राम को, रामलला सरकार को, हनुमान जी को अबीर गुलाल लगा करके सभी भक्तों को प्रसाद रूप में वितरित किया जाता है।